और सब लोगों को च्वाइस है कि इन साल मसूर जी मंदिर और गणेश पूजा देखने के लिए उत्साह से लोग बहुत आवेंगे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं चतरा जिला के टंडवा प्रखंड में स्थित सूर्य मंदिर में हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पे पूजा होने वाला है। तो पीछे तैयारी चल रहा है और यहाँ का सबसे फेमस चुंद्रू मंदिर का जो नदी है वो थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है। तो अभी हम लोग उसका व्यूज़ देखेंगे कैसा है। तो बहुत दिन से आए नहीं थे, मन किया घूमने का, तो इधर आ गए फिर से घूमने। तो अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा उधर मेला लग रहा है, झूला वगैरह, तो उधर भी दिखाएंगे अभी कैसा तैयारी चल रहा है यहाँ का। और यहाँ मंदिर है, मंदिर का भी दर्शन करेंगे हम लोग। और पीछे भी देख सकते हैं इधर मेला वगैरह पूरा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा पे यहाँ पे इंतज़ाम हो रहा है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे, पहले सबसे पहले पंडाल में चलते हैं जहाँ पे गणेश जी को बैठाया जा रहा है। तो वहाँ पे चलते हैं सबसे पहले, कैसा लग रहा वहाँ का डेकोरेशन कैसा हो रहा है, तो देखते हैं। चलिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति का पूरा डेकोरेशन हो रहा है अच्छे से और ऊपर पंडाल वगैरह भी बन रहा है सारा अच्छा। और उधर स्टेज का प्रोग्राम होगा तो उधर स्टेज का भी पंडाल लग रहा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे फंक्शन बहुत तगड़ा होता है, तो गणेश चतुर्थी के दिन ज़रूर आएँ आप यहाँ पे घूमने। और यहाँ का डेकोरेशन सबसे अच्छा मूर्ति का लग रहा है, तो आइए सामने से हम मूर्ति को दिखाते हैं कैसा है। तो अभी मूर्ति पेंट हो रहा है, देख सकते हैं भैया पेंट कर रहे हैं, काफ़ी सुंदर मूर्ति बना है। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, फिलहाल तो अभी स्किन कलर पेंट हो रहा है। और ऊपर देख सकते हैं इधर पंडाल का पूरा काम वगैरह है चल रहा है। तो गाइस यही है सूर्य मंदिर यहाँ टंडवा का, तो एक बार आइए गणेश चतुर्थी के दिन घूमने आइए। यहाँ मेला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग नदी देखते हैं कैसा है नदी। फिलहाल नदी देखने से पहले वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, पहले उसको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, तो पूरा एकदम नदी के बीच में बनाया गया है, देख सकते हैं। वो थोड़ा सा डेंजरस था पहले, पर अब सेफ है। पहले आए थे हम तो थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बाबा भी बैठे रहते हैं जो हमेशा कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा बात है ये। तो ऐसा भजन कीर्तन सबको करते रहना चाहिए, एक बार आइए यहाँ पर मज़ा आएगा। और उस साइड से काफ़ी अच्छा लगता है, सुरंग टाइप से बना था, पत्थरों में सुरंग टाइप से बना था। तो चलिए अभी उधर देखते हैं पत्थर में। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी बहुत ही सुरंग जैसा गड्ढा है, बहुत खूबसूरत लगता है, पर यहाँ पे गड्ढा बहुत ज़्यादा है। बाढ़ में जब बाढ़ आता है यहाँ पे तो बहुत डेंजरस रहता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं अभी कैसा खाई जैसा बना हुआ है अंदर। और उस साइड में तो और है, अभी चलिए उधर चलते हैं, उधर देख, उधर से दिखाते हैं।
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी गड्ढा है। ये तो पानी इतना शांत है, ये गड्ढा के कारण यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है पानी निकलने का, इसलिए थोड़ा पानी शांत रहता है, लेकिन यहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा है। और देख सकते हैं उधर काफ़ी अच्छा व्यूज़ आता है, यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए अच्छा है, पर थोड़ा सा ख़तरा से खाली नहीं है, बहुत डेंजरस है। और उस साइड देख सकते हैं नदी का बहाव कितना चौड़ा हो गया। तो घूमने लायक काफ़ी अच्छा जगह है, एक बार आप आइए घूमिए, फिर से आइए, जब आए हैं तो फिर से आइए घूमने, देखिए कैसा है। तो अब चलते हैं यहाँ से, जिधर झूला लगा है उधर चलते हैं, उधर दिखाते हैं कैसा है वहाँ का, कैसा तैयारी चल रहा है गणेश चतुर्थी का। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देख सकते हैं ये यहाँ पे ड्रैगन ड्रैगन लग रहा है एक, और एक शायद नाव वाला लगेगा, एक नाव यहाँ पे लगेगा, एक नाव वहाँ लग रहा है, और दो ड्रैगन है यहाँ पे, मतलब दो ड्रैगन दो नाव है, और एक मौत का कुआं है, एक ब्रेक डांस है, और दो ब्रेक डांस है, और एक शायद बड़ा वाला झूला लगेगा वहाँ पर। हाँ तो झूला भी काफ़ी अच्छा अच्छा है, तो एक बार आइए विज़िट कीजिए यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन, काफ़ी मज़ा आएगा। और वहाँ पे देख सकते हैं वही गाड़ी मौत का कुआं में चलाया जाएगा। तो चलिए आइए गाड़ी देखते हैं कैसा। देख सकते हैं यहाँ पे भैया लोग पूरा काम कर रहे हैं, नाव लगा रहे हैं, ऊपर भी चढ़ा है ऊपर। हाय करो, हाय। एक ड्रैगन यहाँ पे लग के कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे जंपिंग वाला जो बच्चा लोग का है, हम लोग बड़े लोग नहीं कर सकते, नहीं तो शायद टूटने का डर रहता, क्योंकि भारी भरकम आदमी है ना। और भाई यही है ऑल्टो 800 पुराना मॉडल, इसी को मौत कुआं में पूरा फराटेदार चलाया जाता है, जो कि आप रोड में नहीं राइड कर सकते, इसलिए इन लोगों की तरह करिएगा भी नहीं। चलिए अभी देखते हैं आगे आके कैसा है। और एक गाड़ी यहाँ पे है, तो ये भी शायद तो अभी इसका काम बहुत बाकी है, हो ही रहा धीरे धीरे, अभी है 2-3 दिन टाइम, तो धीरे धीरे सब भैया लोग कर रहे हैं, एक काम देख रहे हैं उधर, पूरा उठा के ले जा रहे हैं जंपिंग वाला। यहाँ पे ब्रेक डांस का है, ब्रेक डांस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर 70% काम हो गया है यहाँ का, तो अभी इसको भी कंप्लीट करने में भैया लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और यहाँ पे बड़ा वाला झूला लगेगा जो गोल घूमता है। पंडाल का काम चल रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, अभी सीलिंग का काम चल रहा है, तो देख सकते हैं अभी भैया सीलिंग का काम कर रहे हैं, तो आइए दिखाते हैं यहाँ। और यहाँ पे अभी पंडाल में लगेगा सारा, अभी पर्दा लगेगा साइड साइड में, तो अभी लगा नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है।
और यहाँ पे देख सकते हैं दुकान लगाने के लिए हैं भैया, यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ जो है दुकान बहुत अच्छा से लग रहा है, लग गया है और लगेगा। और लोग अभी आने का बाकी है, बिक्री बहुत अच्छा होगा। 2 साल लॉकडाउन के चलते दुकान नहीं आया सरकार का आदेश के अनुसार, इन साल खुला है, इन साल बिक्री अच्छा होगा। और सब लोगों को च्वाइस है कि इन साल मसूर जी मंदिर और गणेश पूजा देखने के लिए उत्साह से लोग बहुत आएंगे। और आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, पुल बना हुआ है। इसका पहले पुल का नहीं बना था तो लोग आने जाने में कठिनाई होता था, अब ऐसा बात नहीं है। भगवान का सबसे सबको भला करे। तो यहाँ का ये पंडाल का प्रोग्राम कैसा होता है? यहाँ का प्रोग्राम जब पूरा राजकीय हो जाता है हर हर गांव में, तो लोग वहाँ जागरूक हो जाता है। इसके बाद यहाँ बहुत लोग भीड़, यहाँ जो भीड़ हो जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं, माँ बहन बच्चे लोग सब अपना देखने के लिए, और बहुत श्रद्धा से यहाँ देख के जाते हैं पूजा पाठ करके। तो मतलब आप यहाँ आके खुश रहते हैं कि नहीं? यहाँ बहुत पहले से हम बराबर से गणेश पूजा जब शुरू हुआ था 1 साल छोड़ के, हम बराबर यहाँ बर्तन बिक्री कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिक्री हो रहा है भगवान का कृपा से, सूर्य भगवान का कृपा से और गणेश भगवान का कृपा से। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं सारे लोग दुकान लगाने वाले। तो यहाँ का प्रोग्राम काफ़ी बढ़िया होता है, तो एक बार आप भी विजिट कीजिए आके। कैसा है? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाय बाय।